बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ हर्षिता और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहना रूलर कंपोज गाथा सप्तशती, कौन सा सातवाहन वंश का शासक था जिसने गाथा सप्तशती लिखी थी। तो इसका आंसर है हला। हला जो है वो सातवाहन वंश का 17वां शासक था जिसने गाथा सप्तशती लिखी थी और सतासई भी लिखी थी। सतासई भी इसी ने लिखी थी, ठीक है। मतलब ये गाथा सप्तशती का ही दूसरा नाम है सतासई। और जो सिमुका है वो पहला रूलर था और फाउंडर भी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो 23वां रूलर था और पुलवामी जो है वो 30वां शासक था जो कि लास्ट था, सातवाहन वंश का लास्ट शासक था, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा है हला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकस्पा ने की थी जो कि कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है, राजगृह में। और जो हमारा वसुमित्र है उन्होंने चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी और वो कहाँ हुआ था, कश्मीर में, वो हुआ था कश्मीर में। और मोगली पुत्र तिशा ने किया था किसकी, तीसरा जो बौद्ध परिषद हुआ था पाटलिपुत्र में। और जो सबकामी है उन्होंने दूसरा किया था जो कि कहाँ हुआ था, वैशाली में। आरवी पीके से याद रख सकते हैं, ओके, आरवी पीके। ये अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल को देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के कौन थे, आंसर हमारा है महाकस्पा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई हूम, जो हमारा प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था। तो इसका उत्तर है नरसिंह देव एक, जो कि गंगा वंश के शासक थे और 13वीं सदी में इन्होंने ये करवाया था, कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण करवाया था। अगर ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया नरसिंह देव फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग, वेदांग हमारा एक लिटरेरी सोर्स में आ जाता है, लिटरेरी स्रोत में, जो कि श्रुति स्मृति में वेदांग भी आते हैं। और वेदांग के 6 प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिसमें कि कल्प, निरुक्त, छंद और क्या है, ज्योतिष, 6 है तो ज्योतिष, शिक्षा और क्या, व्याकरण, 3 यहाँ पे लिखा है, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और शिक्षा, ये 6 वेदांग हैं। इसमें जो एक ऑप्शन है सांख्य का, वो जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ये वेदांग में नहीं आता है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बाग केव पेंटिंग्स आर लोकेटेड, जो केव पेंटिंग्स है वो बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स हम लोगों ने जानते हैं कि अजंता में भी एक अजंता केव पेंटिंग है जो बहुत फेमस है, तो इसको भी हम लोग बाग केव पेंटिंग्स को भी, बाग जो गुफा चित्र है उसको भी हम लोग एक बुद्धिस्ट कला में मान सकते हैं, बौद्ध कला में। ये कहाँ है, ग्वालियर में है, ओके, ये ग्वालियर में है। और तो इसका आंसर हमारा हो गया ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा इज अ गेटवे टू विच मॉन्यूमेंट, जो अलाई दरवाज़ा है वो किस स्मारक के लिए एक प्रवेश द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा किस स्मारक के लिए प्रवेश द्वार है, ये हमारा आंसर क्या है, कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है, जो वो अलाई दरवाज़ा बनाया गया था
निर्माण कराया गया था, और कुतुबुद्दीन सॉरी कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन ये कंप्लीट कैसे हुआ, इल्तुतमिश के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1311 ईस्वी में, ये हमारा हो गया। तो सिंपली अगर इसका आंसर देखा जाए तो हो गया कुतुब मीनार जो है वो, इसका जो अगर हम देखें प्रवेश द्वार है तो वो अलई दरवाज़ा इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस तुर्कुने चहलगानी, जो चहलगानी या हम लोग इसको चलीशा भी बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है 40 नोबल्स या 40 दास हुआ करते थे, जो किसके द्वारा ये किया गया था शुरुआत, ये इल्तुतमिश के द्वारा। तो 40 इसमें इल्तुतमिश जो है वो दास रखता था, जो नोबल्स के तौर पे भी हुआ करते थे, जो हर काम में उसकी मदद करते थे, इसी को कहते थे तुर्कुने चहलगानी। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था और बलबन ने इसका अंत कर दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया हमारा इल्तुतमिश। अगर अंत करने की बात पूछी जाती तो उसका आंसर हो जाता बलबन। ये दोनों जो है वो ऐबक डायनेस्टी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, ये सब जो है उस डायनेस्टी के हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद घौरी इन द बैटल ऑफ चंदवार, जो चंदवार कहाँ पे है, फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद कहाँ है, यमुना नदी के किनारे है, आगरा के पास चंदवार, वहीं उसी को अभी फिरोज़ाबाद है। और यहाँ पे मोहम्मद घौरी ने जयचंद्र को हराया था, कब, 11, ये बैटल कब हुआ था, 1193-94 में ये बैटल हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद घौरी ने जयचंद्र को हराया था। ठीक है, इसका उत्तर हमारा हो गया जयचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स, जो तीर्थ कर होता था वो किसने बंद किया। तीर्थ कर का मतलब क्या है, पहले हिंदुओं पर मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा तीर्थ कर लगाया जाता था, जो कि किस लिए, जब अगर हिंदू किसी अगर धार्मिक स्थलों पर घूमने जाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो उनके ऊपर धार्मिक कर या तीर्थ कर लगाया जाता था। और ये किसके द्वारा बंद किया गया, ये किया गया अकबर के द्वारा हटाया गया। ठीक है, अकबर ने इसका समाप्त किया था। ओके, दसवां क्वेश्चन है, हु लेड महद सत्याग्रह, ठीक है, तो महद सत्याग्रह क्या है, महद सत्याग्रह जो है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा ये किया गया, के नेतृत्व में महार सत्याग्रह हुआ था, जिसमें इन्होंने, कब हुआ था ये, 20 मार्च 1927, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो अछूतों के लिए, जो पहले ऐसा होता था कि उन्हें जो सार्वजनिक पानी के कुएं होते थे या कुछ होती थी, तो वो उन्हें नहीं छूने को दिया जाता था, उन्हें वहाँ से पानी पीने को नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया और वो एक जो सामाजिक टंकी थी महड़ में, वहाँ कहाँ, महड़ कहाँ है, रायगढ़ महाराष्ट्र में, और वहाँ पे उन्होंने इसे हटाया और इस सिस्टम को हटाया, और उसके बाद से अनटचेबल से अछूतों को भी दिया गया अधिकार कि वो कॉमन कोई भी अगर कुआं है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन 1916, 1916 में जो होम रूल आंदोलन हुआ था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उसका आंसर है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने ही जो है वो किसके साथ,
लोकमान्य तिलक के साथ मिल करके जो होम रूल आंदोलन का की शुरुआत की थी, ठीक है। और ये जो फ्रैंक बेसेंट है वो एनी बेसेंट के पति थे, लेकिन इन लोग कुछ कारण की वजह से फिर अलग हो गए थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किसने की, तो वो एनी बेसेंट ही थी, ठीक है। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या है, वो है 1878 को, ठीक है। ये किस लॉर्ड जो है ये किसके गवर्नरशिप में था, ये लॉर्ड लाइटन उस समय जो थे ये गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के इंडिया में उस समय 1878 के टाइम में, और उन्होंने ही इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था। जो क्यों क्या होता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में, ये क्या होता था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो अंग्रेज़ों के अगर विरोध में कोई कुछ अगर अखबार में छाप दे तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ताकि कोई उनके विरोध में कुछ ना लिख सके। और ये 1881 में इन्हीं के द्वारा रद्द कर दी गई थी, ठीक है। तो हमारा ये जो है सवाल की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ होम। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, या ऐसे हम चूक का सिद्धांत या ऐसे कह सकते हैं गोद लेने की प्रथा भी कहते थे, तो ये किसके गवर्नर जनरलशिप में, उस समय कौन थे गवर्नर जनरलशिप, तो ये आंसर है क्या इसका, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, कब 1848-1856 के टाइम में। जो ये हमारा 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था उसमें भी ये एक बहुत ही मुख्य कारण बना था उसका, जो हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं हम लोग 1857 को, सिपाही विद्रोह। तो जो उस समय जैसे कि झांसी की रानी का, जो झांसी को अगर इन लोगों ने लेने का प्रयास किया था तो वो भी इसी सिद्धांत के बेसिस पे किया था। तो उस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे वो इसमें कहना क्या था कि जिस किसी साम्राज्य के शासक का अपना कोई पुत्र या कोई अगर ना हो जो उन्हें उसका सक्सेसर बन सके, तो उस जो वो जो साम्राज्य होगा वो अपने आप अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरलशिप में पेश किया गया था, ठीक है। 14th क्वेश्चन, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द सेटलमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर इन इंडिया। मतलब भारत में जो यूरोपीय शक्ति का जैसे जैसे आई उसे कालानुक्रमिक व्यवस्था में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो क्या है, इसका आंसर हमारा ये है। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो आए थे 1498 में, फिर जो है वो अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, फिर जो है डच आए थे 1602 ईस्वी में, इसके बाद आए थे डेन्स वो कब आए थे 1616 में, और फिर फ्रेंच आए थे 1664 में। तो इस प्रकार क्रम है, पुर्तगाली, फिर है हमारा क्या इंग्लिश या अंग्रेजी, या उसके बाद है डच, फिर है डेन्स और फिर फ्रेंच, ठीक है। इस प्रकार से सब लोग यहाँ पे यूरोपियन पावर जो है उन्होंने यहाँ पे अपना आए थे, स्थापित किए थे, अपने सेटलमेंट को बसाया था। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो बैटल ऑफ वाटरलू किसके बीच हुआ था, नेपोलियन, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हार गए थे, और ये कब हुआ था, 18 जून
18 जून 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू कहाँ हुआ था? बेल्जियम, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स बेल्जियम का, बेल्जियम है कंट्री और उसका ब्रसेल्स जो वो कैपिटल है वहीं पे ये हुआ था। और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो बुरी तरह से हार गए थे। तो यही था बैटल ऑफ वाटरलू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।